वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये मेरे बाइक को हॉर्न्स हैं और आज छोटा सा एक DIY करने वाला हूँ मैं। ये एक्चुअली प्लेट जो है बेंड हो गई यहाँ से और ये वाली प्लेट टूट गई। यहाँ पे दो प्लेट्स मैंने दी हुई थी, तो बेसिकली आज मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं खोल के, इसको भी यहाँ से खोल के यहाँ पर एक नई प्लेट देने वाला हूँ, फिर से नई प्लेट लगाने वाला हूँ, क्योंकि सिंगल प्लेट में ये लोड बहुत ज़्यादा है और ये भी टूट गई तो फिर ये नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी चीज़, नई प्लेट बना के उसको पेंट करके इसमें फिट करूँगा। और दूसरा, ये हल्का हल्का सा रस्ट हो गया है, इनको भी ओपन करके इसको क्लीन करके आज फिट करूँगा। तो चलिए इसको ओपन करता हूँ। ये वाली जो प्लेट है ये कुछ इस तरीके से आती है, ये हार्डवेयर स्टोर में मिल जाती है। ये जो फोटोज़ वगैरह होती है उसको टांगने के लिए यूज़ होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 होल्स हैं और ये वाला किस तरीके से काटा गया है। बट इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ ऐसी जगह पर। तो इस प्लेट को बेसिकली मैंने मॉडिफाई किया था, इस होल को बड़ा किया था और यहाँ से इस तरीके से कट लगाया था। तो मैं ये प्लेट दोबारा ख़रीद के लेके आया हूँ, ये करीब 10-15 रुपये की आती है। तो इसको सीधा करके यहाँ पर इस होल को बड़ा करना है, यहाँ पर एक होल करना है और इसको यहाँ से कट करना है। इसके एजेस को मैंने स्मूथ कर दिया फाइल मार के ताकि हाथ में ना लगे। मुझे चाहिए 6 नंबर का ड्रिल, आई थिंक इसके अंदर होगा। ड्रिल करते वक्त वो स्लिप ना करे, इसके लिए एक पंच मारना ज़रूरी होता है ताकि ड्रिल अपनी जगह रहे। जो नट का साइज है उसी साइज का मैंने ड्रिल मारा, एकदम परफेक्ट होल। उसके बाद सारी पत्तियों को 400 ग्रिट सैंड पेपर से साफ किया ताकि पेंट किया जा सके। पेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं या आपको हार्डवेयर स्टोर से 100-150 में मिल जाएगा। अब जब तक ये सूख रहे हैं ऑरेंज को खोल के इसको साफ कर लेते हैं। तो इनको मैंने वॉश कर लिया है, काफ़ी साफ़ हो गए हैं, रस्ट पर उतर गया है। और अब इसको इसमें, इसके अंदर फिट कर देते हैं। और जो पेंट था सूख रहा था वहाँ पर, वो सूख चुकी हैं पत्तियाँ सूख चुकी हैं और इसको इसमें फिट कर लेते हैं। पहले मैं इन सब को क्लीन कर लूँ। इसको मैं पानी से साफ़ कर रहा हूँ। इसको खोल के भी साफ़ किया जा सकता है इस नट के थ्रू, बट अब ये खुल नहीं रहा क्योंकि पकड़ नहीं हाथ में बन पा रही है। तो ये क्लीन हो चुका है और फिट भी हो गए हैं। और अब लगा देते हैं प्लेट्स। ये रही प्लेट सारी, पेंट ड्राई हो चुका है, अब इनको फिट कर दिया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा आयरन का पीस सा है जो स्टॉपर की तरह एक्ट करता है। इन दोनों हॉर्न्स को एडजस्ट करके टाइट करना होगा। हॉर्न्स के नीचे ड्रेन होल दिया है पानी के लिए, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। सारे बोल्ट्स टाइट हो गए हैं, ये लग गया इसका पावर कनेक्टर और ये जॉब हो गया है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।